अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वैसादिक एंड आई एम योर क्लास 11 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स एन इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स एन इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। वी नो दैट द रूल और फॉर्मूला फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल रेज टू एनी पॉजिटिव इंटेग्रल पावर एन इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम एंड दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स एन। व्हेन एन इज अ नेगेटिव integer or a fraction, then अब हमारे पास binomial theorem होगा 1 plus x raised to the power n, this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus up to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 over r factorial into x raised to the power r plus so on, provided modulus of x is less than 1। तो ये है हमारे पास binomial theorem when the index n is a negative integer or a fraction। और यहां पे ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है, ये लेस देन 1 इसी वजह से है, बिकॉज अगर ये लेस देन 1 ना हो देन हमारे पास ये जो सीरीज है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। और डाइवर्जेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज को कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच ना कर सके। और एक दफा हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। द सीरीज ऑफ द टाइप 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x raised to the power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus so on, इस टाइप की सीरीज को कहते हैं binomial series, is called binomial series। जब n एक नेगेटिव इंटीजर हो या फिर एक फ्रैक्शन हो तब हम nc0, nc1, nc2 etc. इस तरह के सिंबल्स नहीं यूज करते। इंस्टेड हम इस तरह फ्रैक्शंस को यूज करते हैं। और उसके अलावा एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर आर। तो ये है जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब हम करते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1।
अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट टी आर प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। अब यहाँ पे हमारे पास जो n है वो है माइनस थ्री के इक्वल, n रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, पुट n इज इक्वल टू माइनस थ्री तो हमारे पास आ जाएगा टी आर प्लस वन दिस इज इक्वल टू देन आ जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू अप टू माइनस थ्री माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। टी आर प्लस वन दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव अप टू माइनस आर माइनस टू ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास आर नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और सब में से अगर माइनस वन को कॉमन लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन रेस टू द पावर आर इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टू आर प्लस टू ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। देन आ जाएगा टी आर प्लस वन दिस इज इक्वल टू अब हम वन इंटू टू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन रेस टू द पावर आर इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टू आर प्लस टू ओवर वन इंटू टू इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। वी नो दैट एन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो हमारे पास टी आर प्लस वन आ जाएगा माइनस वन रेस टू द पावर आर इंटू आर प्लस टू फैक्टोरियल ओवर टू इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। वी नो दैट एन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अब हमारे पास टी आर प्लस वन आ जाएगा माइनस वन रेस टू द पावर आर आर प्लस टू फैक्टोरियल की जगह हम लिख लेंगे आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल ओवर टू इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टी आर प्लस वन आ जाएगा माइनस वन रेस टू द पावर आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स रेस टू द पावर आर। सो दिस इज द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू द पावर माइनस थ्री। नेक्स्ट हमारे पास वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन की एक्सपेंशन के कुछ केसेस हैं व्हेन एन इज लेस देन जीरो। तो इसमें से हम किसी एक का प्रूफ कर लेते हैं। तो अब हम वन प्लस एक्स रेस टू द पावर माइनस थ्री को करेंगे एक्सपेंड बाय अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एन की जगह आ जाएगा माइनस थ्री और एक्स की जगह आ जाएगा एक्स देन आ जाएगा प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर थ्री प्लस
अप टू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू अप टू माइनस थ्री माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर आर प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स, देन आ जाएगा प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ओवर टू फैक्टोरियल इज टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव ओवर थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू प्लस. अब हमने एग्जाम्पल नंबर वन में वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री की जो जनरल टर्म है वो फाइंड की थी. सो दिस इज द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री. तो इस टर्म की जगह हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस वन रेज टू द पावर आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स रेज टू द पावर आर प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स, देन आ जाएगा प्लस टू इंटू वन इज टू, टू इंटू टू इज फोर. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वेयर, थ्री इंटू वन इज थ्री, थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी, ट्वेंटी ओवर टू इज टेन. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस अप टू प्लस माइनस वन रेज टू द पावर आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स रेज टू द पावर आर प्लस सो ऑन. तो यहाँ पे हमने वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री पे बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया है. नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम. तो इसकी पहली एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशंस. अब हमने वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन के कुछ पर्टिकुलर केसेस की एक्सपेंशन में ये देखा है जो एक्स की पावर है वो हर एक्सपेंशन में इंक्रीज होती जा रही है. अब मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन है तो इसका मतलब ये है मॉडुलस ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर आर इज इक्वल टू, फॉर आर इज इक्वल टू टू थ्री फोर एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये है कि हर एक्सपेंशन में जो टर्म्स हैं वो न्यूमेरिकली डिक्रीज होती जाएंगी इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन. तो बाइनोमियल सीरीज में कुछ इनिशियल टर्म्स की हेल्प से हम बाइनोमियल एक्सपेंशंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं व्हेन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन. नेक्स्ट है समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो हम बाइनोमियल सीरीज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. जिस तरह की भी सीरीज का सम रिक्वायर्ड होगा उसको बाइनोमियल सीरीज से कंपेयर किया जाएगा ताकि एन और एक्स की वैल्यूज आ सकें और उसके बाद एन और एक्स की वैल्यूज को वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन में पुट करके सम कैलकुलेट किया जा सकता है. तो ये थी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशंस. अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर टू है हमारे पास एक्सपेंड वन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर वन ओवर थ्री टू फोर टर्म्स एंड अप्लाई इट टू इवेल्युएट 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब यहां पे हमने सबसे पहले 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 1 ओवर 3 की करनी है एक्सपेंशन बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम और जो हमने एक्सपेंशन करनी है वो 4 टर्म्स तक करनी है और उसके बाद हम एवेल्यूएट करेंगे 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 को. तो बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो कब वैलिड होगी.
और एक्सपेंशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए ये जो 2x है हम इसका लेंगे मॉडुलस और उसको पुट करेंगे लेस देन 1. दिस एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ 2x इज लेस देन 1. अब हम इस 2 को मॉडुलस से बाहर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x, दिस इज लेस देन 1. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 ओवर 2. सो दिस मीन्स दैट दिस एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 ओवर 2. That is 1 minus 2x raised to the power 1 over 3. This is equal to, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1, then आ जाएगा plus, n की जगह आ जाएगा 1 over 3 into x की जगह आ जाएगा minus 2x, then आ जाएगा plus 1 over 3 into 1 over 3 minus 1 divided by 2 factorial into minus 2x raised to the power 2. Then आ जाएगा plus 1 over 3 into 1 over 3 minus 1 into 1 over 3 minus 2 divided by 3 factorial into minus 2x raised to the power 3. अब हमने यहाँ पे 4 terms तक expansion कर ली है तो आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इज माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2x रेज टू द पावर 2 इज 4x square. Then आ जाएगा plus 1 over 3 into 1 over 3 minus 1 is minus 2 over 3. 1 over 3 minus 2 is minus 5 over 3 divided by 3 factorial is 3 into 2 into 1. Minus 2x raised to the power 3 is minus 8x cube. Then आ जाएगा प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू एक्स देन आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1 इज 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 एक्स स्क्वेयर देन आ जाएगा प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज 10 over 3 into 2 into 1 is 6 into 3 into 3 into 3 into minus 8x cube plus so on. This is equal to 1 minus 2 over 3 into x. अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 ओवर 3 इंटू 3 इज 9, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, देन आ जाएगा माइनस. अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 8 इज 40 ओवर 3 into 3 into 3 into 3 is 81 into x cube minus so on. अब यहाँ पे हमने माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि इससे प्रीवियसली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ माइनस साइन आ रहा है. तो यहाँ पे हमने 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन कर ली है. अब हमने एवेल्युएट करना है 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 को.
तो यहाँ पे पहले हम 1 माइनस 2x को 0.8 के इक्वल पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.8 दिस इज इक्वल टू 2x, 1 माइनस 0.8 इज 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 2x। अब हमारे पास आ जाएगा 0.2 ओवर 2 दिस इज इक्वल टू x, 0.2 ओवर 2 इज 0.1, तो x आ जाएगा 0.1 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन की है इसमें x को पुट कर देंगे 0.1 के इक्वल। पुटिंग x इज इक्वल टू 0.1 इन दी अबव एक्सपेंशन, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू 0.1 माइनस 4 ओवर 9 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 2 माइनस 40 ओवर 81 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 3 माइनस एंड सो ऑन। किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए अगर हम इनिशियल टर्म्स को भी ऐड कर दें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू 0.1 माइनस 4 ओवर 9 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 2 माइनस 40 ओवर 81 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 3। अब इसके आगे जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने इग्नोर कर दिया है बिकॉज एक बायनोमियल सीरीज में जो टर्म्स होती हैं वो न्यूमेरिकली डिक्रीज कर रही होती हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू 0.1 इज माइनस 0.066666। 0.1 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 इज 0.04 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 3 इंटू 40 इज 0.04 डिवाइडेड बाय 81। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 0.066666 माइनस 0.04 ओवर 9 इज 0.00444, देन आ जाएगा माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 81 इज 0.00049 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 0.07159 एंड दिस इज इक्वल टू 0.92841। अब हमने इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। सो दिस इज इक्वल टू 0.928, दस 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.928। 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 को एवेल्युएट करने का एक और मेथड है अल्टरनेटिव मेथड। 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू 0.8 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.2 रेज टू द पावर 1 ओवर 3। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम। दिस इज इक्वल टू सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा प्लस, n की जगह आ जाएगा
1 ओवर 3 और x की जगह आ जाएगा माइनस 0.2, देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 0.2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 0.2 रेज टू द पावर 3 प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1 इज माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.2 रेज टू द पावर 2 इज 0.04. देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 1 इज माइनस 2 ओवर 3. 1 ओवर 3 माइनस 2 इज माइनस 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 0.2 रेज टू द पावर 3 इज माइनस 0.008 प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 ओवर 3 देन आ जाएगा माइनस 2 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 0.04 देन आ जाएगा माइनस 10 ओवर 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 0.008 माइनस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 ओवर 3. अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.04 ओवर 9. अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगी, 2 इंटू 5 इज 10, 2 इंटू 3 इज 6, 5 इंटू 0.008 इज 0.04 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 81, देन आ जाएगा माइनस एंड सो ऑन. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 0.2 ओवर 3 माइनस 0.04 ओवर 9 माइनस 0.04 ओवर 81. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 0.2 ओवर 3 इज 0.066666 माइनस 0.04 ओवर 9 इज 0.00444 माइनस 0.04 ओवर 81 इज 0.00049 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 0.07159 एंड दिस इज इक्वल टू 0.92841. अब हमने 0.92841 को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.928. दस 0.8 रेज टू द पावर 1 ओवर 3 इज इक्विवेलेंट टू 0.928. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3. एक्सपैंड 8 माइनस 5x रेज टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 टू 4 टर्म्स. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो अब हमने 8 माइनस 5x रेज टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 पे बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हमने ये करना है, 8 माइनस 5x में से 8 को लेना है कॉमन, बिकॉज इस प्लेस पे हमारे पास 1 होना चाहिए, देन ही बायनोमियल थ्योरम अप्लाई हो सकता है.
So this is equal to 8 into, अब यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, अब 5 इंटू एक्स में से 8 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. दिस इज इक्वल टू 8 रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. दिस इज इक्वल टू, अब हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 3, बिकॉज 2 रेस टू द पावर 3 इज 8. तो यहां पे आ जाएगा 2 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. अब यहां पे 2 की पावर में देखा जा सकता है 3, 3 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 2 रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. जब भी किसी टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसके पावर में जो भी वैल्यू होती है वो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है. सो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1 ओवर 2 रेस टू द पावर, अब इसकी पावर में आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3. अब हमने 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 पे बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देना है. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस n की जगह आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3 और x की जगह आ जाएगा माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 प्लस माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, तो हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 12 इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 इज माइनस 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 के इंटू माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 इज 25 ओवर 64 इंटू एक्स स्क्वेयर, देन आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 5 ओवर 3 इंटू माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2 इज माइनस 8 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 इज माइनस 125 ओवर 512 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 12
इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 25 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 64 इंटू एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 125 ओवर 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 12 इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस. अब यहाँ पे 2 2 से हो जाएगा कैंसिल. 5 इंटू 25 इज 125 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 64 इज 576 इंटू एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 64 इज 512, 5 इंटू 125 इज 625 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 64 इज 5184 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 4 इंटू 12 इंटू एक्स प्लस 125 ओवर 4 इंटू 5 76 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 625 ओवर 4 इंटू 5184 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 48 इंटू एक्स प्लस 125 ओवर 2304 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 625 ओवर 20,736 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन. तो यहाँ पे हमने फोर टर्म्स तक एक्सपेंशन कर दी है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे जितने भी ये डॉट्स यूज किए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को. अब हमने ये चेक करना है 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 की एक्सपेंशन कब वैलिड होगी. द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 5 ओवर 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 इज वैलिड व्हेन. तो अब हम 5 ओवर 8 इंटू एक्स का लेंगे मॉडुलस और इसको पुट करेंगे लेस देन 1. अब हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 8 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन 1, देन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 8 ओवर 5. सो द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 5 over 8 into x raised to the power minus 2 over 3 is valid when modulus of x is less than 8 over 5. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया है व्हेन द इंडेक्स एन इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, और उसके अलावा जो बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है हमने वो भी डिस्कस की है और कुछ एग्जांपल्स को भी किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.